शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना की रोकथाम करने और शहर के लोगों को मदद करने के इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक और इस्मैको संस्था इनके संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री कोष के लिए 15 लाख का चेक जिलाधीश को सौंपा गया। इस मौके पर बैंक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने पूरे विश्व में दस्तक दी है, उसके दस्तक देते ही कभी कभार 44 नंबर पे रहने वाला भारत अब की बार चौथे पायदान पे आ चुका है। भारत के साथ साथ भारत के राज्यों में और राज्यों के साथ साथ तमाम शहरों में भी कोरोना वायरस ने इस प्रकार से दस्तक दी है कि मानो सबको अपनी चपेट में ले लिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नागपुर शहर की, जहाँ पे अब तक के कई लोगों की मौतें हुई है और तो कई संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं कोरोना से कुछ पेशेंट भी मुक्त हो गए हैं। कोरोना वायरस ने जब से दस्तक दी है तब से शहर में लॉकडाउन जारी किया गया। लॉकडाउन चलते ही लोग अपने घरों में थे और कामकाज भी पूरी तरह से लोगों के प्रभावित हुए थे। भूखे मरने की नौबत पर आ पड़ी थी, जो परिस्थिति आज भी उसी प्रकार की दिखाई देती है। राज्य के नागरिकों को अच्छा खाना मिले, राज्य के नागरिकों को अच्छी उनकी देखभाल हो, इस उद्देश्य को लेकर कई शहर के स्वयंसेवी संस्थाएं मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना निधि जमा कर रहे हैं। जी हाँ, इसी क्रम में इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक और इस्मैको संस्था इनके संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री राहत कोष को 15 लाख का योगदान, नागपुर जिलाधीश रविंद्र ठाकरे इन्हें 15 लाख का चेक सौंपा गया। इस मौके पर संजय देशमुख, हीना दास, सूरज महात्मे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक एक शेड्यूल बैंक है जो डोर स्टेप सुविधाएं प्रदान करता है और इसमें 436 बैंकिंग आउटलेट है और भारत के 14 राज्यों और 113 जिलों में 208 एटीएम है। राहत कोष की सराहना सभी क्षेत्र में हो रही है। ये पता कि जिस तरह से आज आपने जिलाधिकारी को 15 लाख का जो चेक दिया है वो देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सर, आज जो है हमारे इसाप बैंक और इसाप बैंक के बीसी इस्मैको के द्वारा 15 लाख रुपए का चेक जिला कलेक्टर को दिया गया, जिला नागपुर कलेक्टर रविंद्र सर को दिया गया। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अभी जो कोरोना काल में जिस तरीके का परिस्थिति निर्माण हुआ है, जिस तरीके का लोगों को परेशानी हो रहा है, जो गोर गरीब अपने नागपुर डिस्ट्रिक्ट में या पूरे भारत में जो परेशान हो रहे हैं, उनको हमारे बैंक की तरफ से कुछ मदद मिले और उनको हम कुछ मदद कर पाए, इस पैसे से उनका कुछ अच्छा हो पाए, उनके जीवन में कुछ तो भी एक सुधार हो, जो ऐसी परेशानियां हो रही है उससे उसको निजात मिले, इसके लिए हमने ये 15 लाख रुपए कलेक्टर साहब को दिए हैं ताकि वो सही जगह पे जाकर के उसको एक मदद मिले गोर गरीब को। आप क्या करने चाहेंगे? लॉकडाउन जो शिथिलता जो हुई है, अब कैसा रहने चाहिए लोगों ने? बहुत सावधानी के साथ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और देखिए, क्योंकि सेहत जान है तो जहान है, इस तरीके से हम लोग कहना चाहेंगे। हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा मिल जाती है उसको उसका पालन करें और अनुशासन का पालन करें, उससे सेहत अच्छी रहेगी और हम लोग अच्छे तरीके से अपना काम धंधा भी चला पाएंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा काफी गाइडलाइन दिए गए हैं, जिसके चलते लोग उसके ऊपर में पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे शहर के स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हो, जो आए दिन मुख्यमंत्री को काफी अच्छी मदद करना चाहते हैं, जिसके चलते आज नागपुर में भी इस बैंक की ओर से जिलाधीश रविंद्र ठाकरे ने 15 लाख का चेक दिया गया, ताकि कोरोना वायरस से यदि कोई पीड़ित है या कोरोना कार्यकाल में जिन लोगों को आर्थिक जो मुसीबत है वो उनकी मुसीबत दूर हो और उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, यही उद्देश्य लेके 15 लाख का धनादेश दिया गया है। ये काफी अच्छी पहल इस बैंक की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।